जनवरी 2024 से कपास की कीमत 10,000 रुपए करने और जुड़पी जंगल की जमीन जो वहां 50 वर्षों से रह रहे उनके नाम करने की मांग को लेकर युवा और प्रगतिशील किसान तथा आम आदमी पार्टी के संजय टेंबेकर ने सावनी तहसील कार्यालय के गेट के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। स्थानीय निवासी जो पिछले 50 वर्षों से वन क्षेत्र की जमीन पर जो कि झोपड़े बनाकर रह रहे, साथ ही कई नागरिक सावनी नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जंगली वन भूमि पर रह रहे, उसी के तहत शहर के कई गरीब लोग इन जमीनों के पट्टे अपने नाम करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इस मांग को नजरअंदाज कर रही है। इनके पास अपने मकान के पट्टे नहीं होने के कारण इन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इस बस्ती में गरीब पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। इस मांग को लेकर कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का न्याय अब तक नहीं मिला है। साथ ही इस मौके पर अनशन पर बैठे संजय टेंबेकर ने बताया कि कपास की एक क्विंटल फसल की लागत 7,000 रुपए से अधिक आती है, जिसका राज्य की सरकार और विपक्ष दोनों को पता है। जो सत्ता में होते हैं वो भूल जाते हैं कि चुनाव में कभी उन्होंने कपास को 10,000 रुपए भाव दिलाने का वादा किया था। फिर जो पार्टियां विपक्ष में होती है वो इस मुद्दे को उठाकर सरकार बनाते ही भूल जाती हैं। ऐसा निरंतरता से होने पर अफसोस जताया और मांग की कि कपास की कीमत कम से कम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल दी जानी चाहिए, क्योंकि एक क्विंटल कपास उगाने में करीब 7,000 रुपए का खर्च आता है, ये सभी को पता है। इस विषय को लेकर जिलाधिकारी ने हमारे प्रतिनिधि मंडल के सामने उप विभागीय अधिकारी को मौखिक आदेश दिया था। इस विषय पर तुरंत उपखंड अधिकारी को बुलाया जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। हालांकि उपखंड अधिकारी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और 13 दिसंबर 2023 को उन्हें एक आवेदन जारी किया गया। 22 दिसंबर को रिमाइंडर भी दिया गया था, फिर भी जब राज्य के शासकों और अधिकारियों की ओर से कोई हलचल नहीं हुई, इसलिए सभी गोर गरीब झुग्गीवासी पीड़ित किसानों का आशीर्वाद लेकर यह आमरण अनशन का कदम उठाया गया, ऐसे विचार स्थानीय संवाददाताओं से व्यक्त किए। इस अवसर पर जामुवंत वारकरी, सेवक राम राउत, गजू चौधरी, अंसार शेख, अरुण गुर्वे, शुभम पाकड़े सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेरी मांगे तो इतनी है कि वार्ड नंबर 17 हो, 9 हो, 11 हो, 7 हो, यहाँ पे रहने वाले जो रहवासी है, जो 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, तो उनको पट्टे दिया जाए। अब ये मैं समझ सकता हूँ कि झुड़पी जंगल का मामला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, मगर जिस तरह मोदी सरकार हो या फिर फडणवीस सरकार हो, कायदे में बदल करके जो फॉरेस्ट के लिए जो रोड जाता है या फिर फॉरेस्ट की ज़मीन किस एंगल से दूसरे इसमें यूज होती है, उसी तरह से कायदे में बदल करके उनको अपना मालकी पट्टा दिया जाए। जिस प्रकार निवडणूक आयुक्त का मुख्य अध्यक्ष चीफ जस्टिस हुआ करता था पहले, तो उसी तरह से कायदे में बदल ला के दो सदस्य पक्ष के और एक सदस्य विपक्ष का इस तरह से कायदा बनाया, उसी तरह से झुड़पी जंगल का कायदे में अमेंडमेंट करके तो 50 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको न्याय दिलाया जाए। एनबीसी न्यूज़ के लिए सावनी से किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।